हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑटो इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। फर्स्ट सी व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी। व्हेन आवर इम्यून सिस्टम गेट मोर सेंसिटिव, हाउ? व्हेन द इम्यून सिस्टम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, यानी अपनी जो बॉडी सेल्स और जो फॉरेन पार्टिकल है, जो फॉरेन एंटीजन है, उनके बिटवीन ही डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, यानी खुद की सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगे। और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगेगा तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, सेल्फ एंटीजन को यानी हमारी बॉडी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाए। दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। व्हेन द इम्यून सिस्टम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय इट। एग्जाम्पल, ऐसा कब होता है, किस किस डिजीज में होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाशिमाटो डिजीज। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज में क्या होता है कि इसमें एक इम्यूनोग्लोबिन जो एम है, एंटीबॉडी एम, इसके एक्सेस में बनने से यानी रूमेटॉइड फैक्टर एक बन जाता है बॉडीज में, रूमेटॉइड फैक्टर, इट इज फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एम। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, ये क्या करेगा कि जॉइंट की जो हमारी बॉडी जो बोन्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट है वहाँ पर एक मैम्ब्रेन है, सिनोवियल मैम्ब्रेन। सिनोवियल मैम्ब्रेन क्या हो जाती है, थिक होने लग जाती है। सिनोवियल मैम्ब्रेन ठीक होने लग गई, अगर उसे ट्रीट नहीं किया तो पहले तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। जैसे ही फैक्टर बना, रूमेटॉइड फैक्टर, तो सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आ जाना। और अगर इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसे ट्रीट नहीं किया तो सिनोवियल मेम्ब्रेन ठीक होने लग जाएगी, सिनोवियल फ्लूइड इंक्रीज होने लग जाता है। और सिनोवियल जब फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा तो वो जॉइंट पर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा जिससे पेन होने लग जाएगा। और ये इतना पेन एक्सेस में होता है कि फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट है या सर्जरी के थ्रू ही इस चीज़ को ठीक करते हैं। तो ये क्या करता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन की थिकनेस को और सिनोवियल फ्लूइड को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे इरोजन होने लग जाएगा बोन्स के बीच में। बोन्स जो हैं वो ऑसीफाइड मतलब वीक होने लग जाएंगी ईजिली, जैसे गिरने से, अगर बिल्कुल एक हल्की सी भी चोट लगी तो भी फ्रैक्चर हो जाता है। और जो जॉइंट है वो इतने इमूवेबल हो जाएंगे, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन थिक होने पर क्या होंगे कि जो जॉइंट है जितने ईजिली हम मूवेबल होते हैं वो थिकनेस से इमूवेबल हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। तो इसका क्या है ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है या तो फिजियोथेरेपी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, या फिर सर्जरी है, क्लियर। ये तो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। हाशिमाटो डिजीज़ में थायराइड जो ग्लैंड है, हाशिमाटो डिजीज़ में थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ही एंटीजन प्रोड्यूस हो जाता है। तो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हो गई थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। और थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गई तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिक सिस्टम है हमारा, ड्राइनेस, इचिंग, टायर्डनेस, ये सब हो जाएगा, क्लियर। तो ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वैक्सीनेशन। वॉट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन, वॉट इज वैक्सीनेशन? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीकेंड एंड डेड पैथोजन पैथोजन टू अ हेल्दी पर्सन और एनिमल, यानी अगर वीक या फिर डेड पैथोजन, पैथोजन वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई और हार्मफुल ऐसा पार्टिकल है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म होती है हमारी बॉडी में। तो एंटीबॉडीज फॉर्म होने के लिए हम किसी भी जो पैथोजन का हम वीक या फिर डेड अगर सस्पेंशन इंट्रोड्यूस कराएं हेल्दी पर्सन में या एनिमल में, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। देखिए, वैक्सीन क्या हो गया, ये वैक्सीनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, बट व्हाट इज़ वैक्सीन, सेम वही कि सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन
और एंटोजेनिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या है कि वो जो सस्पेंशन होगा यानी वो मिक्सचर है जिसके अंदर पैथोजन है उसी का ही यहाँ पे इनएक्टिवेटेड क्यों का है, अगर वो एक्टिव होगा तो वो डिजीज हो जाएगी, तो उसको इनएक्टिव कर दिया, उसे किल भी नहीं करेंगे, किल नहीं करेंगे तो उसकी मेमोरी जो है हमारी बॉडी में वो मेमोरी सेल सेव नहीं कर पाएगी। तो कैसे लेते हैं हम किल्ड की जगह वर्ड यूज़ करते हैं इनएक्टिवेटेड, सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैथोजन। या तो कंप्लीट हम पैथोजन लेते हैं या बैक्टीरिया या वायरस माइकोप्लाज्मा जो भी है, या फिर उसका जो डिजीज कॉजिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एंटीजेनिक प्रोटीन प्रॉपर्टी, अगर उसका सस्पेंशन लें उसे हम कहते हैं वैक्सीन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज एडवर्ड जेनर, जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी इन 1796। इसमें हिस्ट्री और देख लेते हैं, देखिए एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उन्होंने नोटिस किया कि एक मिल्कमेड जो है उन जो मिल्कमेड है वो डिडंट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। उस टाइम पर 1796 में एक डिजीज़ जो थी अर्बन एरिया में फैली हुई थी वो क्या थी, स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स भी एक उस टाइम की पैंडेमिक थी, यानी जो कोविड-19 से पहले जब वो स्मॉल पॉक्स से सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी। तो 1796 में स्मॉल पॉक्स जो पैंडेमिक थी तो वो अर्बन एरिया में ज़्यादा फैली हुई थी, तो एडवर्ड जेनर ने नोटिस किया कि जो मिल्कमेड हैं विलेज एरिया में रूरल एरिया में वहाँ पर दे डिडंट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स बट दे हैड स्कैब्स ऑफ काउ पॉक्स। अब वो जो कैटल को संभाल रहे थे उनमें काउ पॉक्स तो हुआ था, काउ पॉक्स के स्कैब्स से, स्कैब्स मतलब स्पॉट हो गए थे उनकी स्किन पर, सोर हो गए थे। सोर क्या होते हैं कि एक ऐसे जो दाने ब्रिसल जिनमें वाटर फिल्ड लिक्विड फ्लूड हो जाता है, फ्लूड फिल्ड होता है, तो स्मॉल पॉक्स तो नहीं था लेकिन उनमें क्या थे, काउ पॉक्स के स्कैब्स थे। तो उस मिल्क मेड के 8 ईयर ओल्ड सन के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि जो मिल्क मेड के जो सोर थे, सोर मतलब वो जो फ्लूड फिल्ड जो दाने होते हैं स्किन पर, वहाँ से फ्लूड ट्रांसफ़र कराया उस 8 ईयर्स ओल्ड बॉय में। उसके बाद में उन्हें आफ्टर सम टाइम स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है, स्मॉल पॉक्स वायरस जो वीक वायरस है उसे इंजेक्ट किया, तो इस चाइल्ड में स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, यानी ये स्मॉल पॉक्स सफ़र नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ये देखा कि जो स्मॉल पॉक्स है वो काउ पॉक्स वायरस जैसा ही है, बट काउ पॉक्स वायरस है ये वीक वायरस है, दोनों की एंटीबॉडीज़ सेम ही प्रोड्यूस हो रही है, यानी दे आर सिमिलर वायरस, बट स्मॉल पॉक्स इज डेंजरस वायरस और काउ पॉक्स इतना हार्मफुल नहीं था। तो जब काउ पॉक्स इंजेक्ट कराया उस 8 ईयर ओल्ड बॉय में तो क्या हुआ कि उसमें एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गई, और वही एंटीबॉडीज़ ने किससे फाइट किया, स्मॉल पॉक्स के वायरस से। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था और इसी बेसिस पे उन्होंने काउ पॉक्स की जो वैक्सीन है वो सब में इंजेक्ट कराई। वो स्मॉल पॉक्स की क्यों नहीं करा सकते थे, बिकॉज़ ये बहुत ही डेंजरस था, अगर ये करा देते तो जो हेल्दी पर्सन है वो स्मॉल पॉक्स से ही उसकी डेथ हो जाती। सो ही ट्राइड दिस प्रोसीजर ऑन द अदर पर्सन एंड गेट सक्सेस। तो उन्होंने टर्म दी वैक्सीनेशन। देखिए वैक्सीनेशन मीन्स क्या होता है, वैका, वैका मीन्स काउ, वो काउ पोक से उन्होंने ये वैक्सीन डिस्कवर की थी, तो वैका मीन्स काउ, तो इसलिए उन्हें नेम दे दिया वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की जो डिस्कवर किया था, उसके बाद में लुईस पाश्चर ने, रॉबर्ट कॉच ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज एडवर्ड जेनर। वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। कैसे, देखिए व्हेन एन एंटीजन मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू अ हेल्दी पर्सन इट जनरेट
एंटीबॉडीज, इट जनरेट्स एंटीबॉडीज और क्या साथ में मेमोरीज है, ये जनरेट होता है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट टाइम तो इसमें टाइम लगता है रिकॉग्नाइज करने में और रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। बट दिस एक्टिव पैथोजन एंटर सेकेंड टाइम इनसाइड द, हम ये कहेंगे कि जो हेल्दी पर्सन है वैक्सीनेटेड हो गया, अगर हमने उसमें वैक्सीन दे दी, व्हेन दिस एंटीजन एंटर्स इनटू हेल्दी पर्सन या फिर वैक्सीनेटेड पर्सन, तो ये क्या करेगी, जो मेमोरी सेल है वो रिकॉग्नाइज करेगी एंटीजन को और रिस्पॉन्ड करेगी विथ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। यानी जैसे मेमोरी सेल ने इसे रिकॉग्नाइज करा, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ क्या कर देंगे, इसका एनकाउंटर कर देंगे, एनकाउंटर मीन्स डिस्ट्रॉय कर देंगे और डिजीज नॉट अपीयर, डिजीज विल नॉट बी अपीयर। तो ये इस प्रिंसिपल पर काम करती है इम्यून सिस्टम, इसलिए वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन में जो वैक्सीन है वो ओरली भी इंजेक्ट करा सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी। ओरली जैसे पोलियो वैक्सीन है, पोलियो दो बूंद जिंदगी की वो पिला देते हैं बच्चों को, लेकिन पोलियो जो वैक्सीन है उसका अगर हम कन्फर्मेटरी हम देखें तो वो इंजेक्शन होता है, पोलियो बूस्टर वही वर्क करता है। तो वैक्सीन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो भी हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन मीन्स इसमें क्या होगा, दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय इनएक्टिवेटेड द होल पैथोजन, इनएक्टिवेटेड द होल पैथोजन। तो क्या होगा, होल पैथोजन को इनएक्टिव ही कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि पैथोजन अगर होल पैथोजन जा रहा है तो वो अपना डिजीज भी शो कर सकता है। तो पहले यही वैक्सीन चलती थी, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इस बेसिस पर कौन कौन सी वैक्सीन प्रिपेयर हुई हैं, पोलियो वैक्सीन जो है, डीपीटी वैक्सीन, ये किस पर बेस्ड है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इसमें क्या होता है, दे हैव प्रिपेयर्ड बाय इनएक्टिवेटेड द होल पैथोजन एंड दे हैव साइड इफेक्ट, इसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, देखिए सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो पैथोजन है उसका जो डिजीज कॉजिंग पार्ट है, उस जो डिजीज कॉजिंग जो पार्ट है उस पार्ट में, उस पार्ट को रिपेयर कर दिया या उसमें एक डिजायरेबल डीएनए जोड़ दिया। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होता था कि जो डिफेक्टेड पार्ट है, यानी जो डिजीज कॉजिंग पार्ट होगा उसको रिमूव कर देते थे। तो इसको रिमूव कर दिया तो उसके जगह पर कोई दूसरा वायरस, दूसरा डीएनए डाल देते थे, यानी रिकॉम्बिनेशन करते थे इसमें सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में। तो एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं पैथोजन की उसके अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करते थे ये वैक्सीन, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस होता था तो उसे एनिमल्स में ट्रांसफ़र करते थे, जिन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते थे। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स में मल्टीप्लिकेशन होता था उस न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पर ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन प्रिपेयर की थी, बट इसका ये एडवांटेज था कि दे हैव नो साइड इफेक्ट। इससे कौन सी वैक्सीन प्रिपेयर हुई थी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन, देखिए थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है दे आर हाईली पोटेंट है, सिंथेटिक इन नेचर एंड प्रिपेयर्ड बाय जीन्स। ये कन्फर्मेटरी है, यानी इसका जो इफेक्ट है वो 99% है, यानी 99% ये इफेक्टिव है। इसमें क्या करते हैं, देखिए ये भी दे आर ऑल्सो कॉल्ड डीएनए वैक्सीन, क्योंकि ये जीन से प्रिपेयर्ड हो रही है। अब जीन से प्रिपेयर्ड हो रही है तो इसके भी फोर टाइप्स हैं। एक है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन मीन्स क्या है कि इसमें जो वायरस है, वायरस को क्या करेंगे कि
डिफरेंट एम्ब्रियोज में ग्रो कराएंगे सीरीज में। जैसे पहले एक एम्ब्रियो में ग्रो कराया, फिर उसमें उसने रेप्लिकेशन करा, फिर उस रेप्लिकेटेड पार्ट को नेक्स्ट एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र किया, फिर नेक्स्ट एम्ब्रियो में उसने मल्टीप्लिकेशन किया, देन ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट एम्ब्रियो। तो एक एम्ब्रियो जो है डिफरेंट एम्ब्रियोज की सीरीज़ में वायरस को डेवलप कराया। इससे क्या होगा कि वायरस मल्टीप्लिकेट कर रहा है, और जितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेट कर रहा है तो उसकी क्या है जो कैपेबिलिटी है डिजीज़ कॉजिंग की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वायरस इज़ ग्रोन इन डिफरेंट एम्ब्रियो, द वायरस लॉस्ट इज एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन ह्यूमन सेल। तो इसे कहते हैं लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन बनाई है इसे, मीजल्स, मम्प्स, मीजल्स मम्प्स और पोलियो भी, एक पोलियो वैक्सीन भी से प्रिपेयर की है। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। देखिए नेम से ही पता लग रहा है इसमें तो क्या है, वायरस को ग्रो कराया है एम्ब्रियोज में, अब यहाँ पे उसे इनएक्टिव कर दिया। कैसे, केमिकल से, यूवी रेस से। केमिकल कोई भी हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है या फॉर्मलिन हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि पैथोजन की जो रेप्लिकेशन जो एबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे इनएक्टिव किससे करेंगे, हीट से या केमिकल से, बट इसे किल नहीं करते। अगर किल कर दिया तो वो पूरा ही जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसकी एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होगी बॉडी में। तो इसमें बैक्टीरिया या वायरस को, जो भी पैथोजन है, उसे हीट और केमिकल से इनएक्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या होता है कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम टिटनेस। टिटनेस डज नॉट कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से नहीं होता, उसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, उस न्यूरोटॉक्सिन का नेम है टिटैनो स्पाजिन, टिटैनो स्पाजमिन। तो यहाँ पर ये टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है टिटनेस के लिए, नाइदर बैक्टीरियम। तो अगर इस टॉक्सिन को एज ए वैक्सीन यूज करें तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा बॉडी में, मेमोरी सेल प्रोड्यूस होगी, और पर्सन है जो हेल्दी पर्सन में जब इंजेक्ट कराएंगे तो डिजीज डज नॉट अपीयर। तो जब होल पैथोजन ना लेके उससे जो टॉक्सिन जो है, कोई भी टॉक्सिन या कोई भी हार्मफुल जो केमिकल वो रिलीज कर रहा है, उसके बेसिस पे जब वैक्सीन बनती है तो उसे कहते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। और ऐसा किस में होता है, एग्जांपल ले सकते हो न्यूरोटॉक्सिन, टिटैनो स्पाजिन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। दिस वैक्सीन कंटेन ओनली पीसेज ऑफ पैथोजन, इसमें पीसेज होते हैं पैथोजन के, ना तो होल होता है ना वो किल्ड होता है। दिस वैक्सीन कंटेन ओनली पीसेज ऑफ पैथोजन, और वो पीसेज होते हैं जिसके जो जिनमें रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है मेडिसिन की, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। ये सबसे इफेक्टिव होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वैक्सीन एंड ऑटो इम्यूनिटी, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।